तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एमसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो कौन है तो ज्यादातर फैंस का वोट थॉर को मिलेगा, ना कि इसको। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि क्या थॉर थैनोस को बिना किसी वेपन के बीट कर सकता है या नहीं। अब मूवीज में हमें ऐसा दिखाया गया कि थैनोस के पास दो इन्फिनिटी स्टोन्स थे, इसलिए थॉर नाइडेविलर जाता है एक न्यू वेपन बनाने, क्योंकि थॉर ने अपने मुंह से कहा था कि बिना वेपन के थैनोस से फाइट करना मतलब वो खुदकुशी होगी। लेकिन क्या हो अगर थैनोस के पास कोई इन्फिनिटी स्टोन ना हो और थॉर बिना अपने हैमर के उसे मारने चला जाए। अब भले ही थॉर एक गॉड है लेकिन थैनोस भी कोई ऐरा गैरा नहीं है, उसने हल्क को बिना किसी प्रॉब्लम के बीट कर दिया था, वो भी इतने बुरी तरीके से कि हल्क सीधा बेहोश हो गया था। अब देखा जाए तो थॉर भी फिजिकली पावरफुल है। सबसे पहले तो थॉर एक एस्गार्डियन है जो डायरेक्टली उसकी फिजिकल बॉडी को एक ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रांग बना देती है, और सेकंड थॉर को ओडिन जो कि का राजा और नोरियासुदा का प्रोटेक्टर है उसने खुद ट्रेनिंग दी है, और गॉड होने के बाद थॉर एक वॉरियर भी है जो पिछले 1500 सालों से फाइट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि क्या थॉर फिजिकली थैनोस को बीट कर सकता है? तो इसका आंसर है कि चांसेस 50-50 है, थॉर थैनोस को फिजिकली बीट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले तो थॉर और थैनोस एमसीयू में काफ़ी हद तक इक्वल है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में। दोनों के पास हजारों साल का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, और प्रॉब्लम यह है कि थॉर की मेंटेलिटी एक वॉरियर की है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अपने वेपन पर डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल एमसीयू में आज तक हमें ऐसी कोई फाइट देखने नहीं मिली जब थॉर ने बिना अपने वेपन को यूज़ किए किसी को बीट किया हो। अब ऑफकोर्स हल्क को बराबरी की टक्कर दी है, लेकिन बीट करना एक अलग बात है। थॉर की पावर्स जब अनलॉक हो गई थी तब थॉर को फिजिकली एक एडवांटेज मिल गया था हल्क के कंपैरिजन में, लेकिन लाइटनिंग के बिना अगर थॉर फिजिकली थैनोस से फाइट करे तो 10 में से कम 7 बार थैनोस के जीतने के चांसेस है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि थॉर कमज़ोर है, लेकिन फैक्ट ये है कि थॉर ने अपने यंग एज में ही म्यूनियर को लिफ्ट कर लिया था, और वो इतने सालों में म्यूनियर से इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि अगर उसे किसी को हराना है तो उसका है उसके पास होना चाहिए, और यही मेंटालिटी हमें एंड गेम में देखने मिली थी। थॉर के पास स्टॉर्मब्रेकर था जो एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, फिर भी पास्ट में जाकर थॉर म्यूनर को लेकर आ गया। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हो सकता है कि थॉर थैनोस को फिजिकल फाइट में बीट कर दे, लेकिन थॉर की वॉरियर मेंटालिटी और पास्ट की फाइट को देखकर मुझे नहीं लगता कि थॉर थैनोस को फिजिकली हरा पाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर थॉर फाइट के दौरान अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करता है तो थॉर के पास एक एडवांटेज रहेगा, और तब वो शायद थैनोस को बीट भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो बिना किसी वेपन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में थॉर थैनोस को नहीं हरा सकता। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या थॉर बिना किसी वेपन के थैनोस को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट कर सकता है या नहीं? और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।